चंचल इतना रोई है कि वो सोई गई रो रो के सोई क्योंकि अब रोने के बाद उधर ही देख रहा था मेरे को देख रहा था ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है नहीं ऐसे दे मुझे लग रहा था उधर देख रहा है अच्छा मैं आगे बढ़ सॉरी क्योंकि अब रोने के बाद सब हंसने ही वाले हैं तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लेटिंग इट ऑल आउट ओके सीक्वेंस के बारे में बताइए कि क्या हो गया था ये ना कि देखो जैसे कि आप जानते हैं कि छनछन और मिस हमेशा से इस चीज़ में बहुत माहिर रही है रुलाने में नाखून मारने में और लोगों को तंग करने में तो फाइनली उसने अपना मकसद क्या कहते हैं हिंदी आती रही अच्छी पूरा फाइनली उसका मकसद पूरा हुआ है और उसकी कोशिश पूरी की ये पंजाबी न्यूज़ नहीं है हिंदी में बोल अच्छा सो बेसिकली बाकी सब जो शट अप अनुज बाकी सब तो हमने भगवान सवाल उसने मुझसे पूछा ना बाकी सब तो हमने भगवान पे छोड़ रखा है हमें उन पे पूरा भरोसा है भगवान रुलाने में मुश्किल नहीं हुई डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो नहीं रोएंगे तो वो कभी ठीक नहीं होंगे वो थोड़े डिल्यूजनल है उनको अभी भी लगता है कि दादी जी अब तक शी इज विथ हिम तो मैंने जाके उनकी अस्थियों को बहा दिया और दादाजी को बोल दिया कि नाउ इट्स ओवर आई मीन क्लोजर डूड वेक अप शी इज गॉन तो बस बेसिकली दादाजी क्राइड इज हार्ट आउट एंड बस मुझे वही करना था और मैं उसमें कामयाब हो गई वो रो रहे थे ही ऐसे ही अच्छा जैसे कि अभी आप रॉकस्टार और आप कामयाब हो चुके अपने उन लोग लाने में लेकिन अगर आप थोड़ा से पूछा जाए कितने तरीके से रोया जा सकता है या मतलब इंसान कितने तरीके से रो सकता है कितने अलग अलग तरीके से आप रो सकती है मुझे नहीं ये तो एक ही तरह से मुझे जिसमें हंसती भी है ये वैसे होती है जिसमें आवाज भी आती है आवाज़ ये ऐसे रोती है जिसमें आवाज़ ही नहीं आती आप कितने तरीके से मैं पंजाबी स्टाइल से रो सकता हूँ मैं मतलब जैसे मतलब अभी बोला आवाज़ नहीं आती उस तरीके से और एक अनुज तो कभी रोया है दहाड़ी मार लाइफ में हाँ यार रोया था मैं बड़ी बार रोया था अच्छा कैसे लगता है तू रोते वक्त एक बार दिखाई दीजिए रोना ना अरे कोई मैं कोई वो थोड़ी हूँ क्या मुझे समझ क्या रखा तुमने कहाँ देख रहा है क्या हो गया तुझे इतना नहीं मैं इतना नहीं सोया अभी ओ शिट अच्छा नहीं है मतलब काफी आ रही थी सेट पर हाँ वो सोने से थोड़ी आईज इधर उधर हो गई है तो ठीक कर क्या आज इधर उधर हो चुकी है सब नकली है आंखें दांत देखो इसको मेरे दांतों से बड़ी तकलीफ है ये कहती है मेरे दांत इतने वाइट क्यों है ये हर बार मेरे दांत में मारती है लगता है हाउ मेनी परसेंट थिंक दैट अनुज हैज बिग टीथ एंड हाउ मेनी परसेंट डोंट प्लीज प्लीज पुट दिस पोल आउट ऑन सम फोरम और एनीथिंग एंड आई वांट एन आंसर टू इट जेन्युइन बट आई मीन इट ये दांत नकली नहीं है ये बार बार मेरे दांत के पीछे पड़ जाती है यार मैं उधर नहीं देख रहा देखो देखो क्या हो गया है अच्छा ये पता नहीं क्यों दांत के पीछे पड़ जाती है अब फिर से बार बार हंसना हो गया तो हंसना और रोना दोनों बराबर हो गया हाँ बराबर हंसना और हंसना प्लस रोना इक्वल्स टू सोना इसलिए हम सोते और इक्वल्स टू सीन में रोते अगर हंसते और फिर बाद में सो जाते आपने देखा ही होगा जैसे सो रही थी हमने कुछ इसकी पिक्चर्स ली इसके मुंह में बिस्किट डाला और एक दो मक्खियां इसके मुंह में बैठी हुई थी बट हमने उन्हें चारा चरने दिया तो इतनी जाति नहीं कह सकते हम जानवरों के साथ इंसेक्ट्स के साथ हमने उनको पूरी लिबर्टी दी कि प्लीज़ आप बैठिए उस पर खाइए जो करना करिए
लेकिन इसे सोने दीजिए, इसको उठाना नहीं, अगर इसको उठाया तो ये बहुत भयंकर रहेगा, तो आपके कहीं ना कहीं behind the scene. Sorry. Thank you so much.